मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम बोलने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सपा के विधायक अबू आजमी और बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया आमने सामने हो गए हैं। फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिसे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिवाय अल्लाह के अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, ना जमीन के आगे ना आसमान के आगे। ना दुनिया में सबसे बड़ा कोई इंसान होगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम हो जाए, उसके सामने भी सर नहीं झुका सकता। वो सर झुकाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाएगा। और मैं समझता हूँ ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये देश प्रेम है, इससे कहीं से देशद्रोह नजर नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जो बहुत मजबूत हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके एक नई सरकार बनाया है, जो बाला साहब ठाकरे के फोटो के नीचे नजर आते हैं और बाला साहब ठाकरे के एक बहुत बड़े सिपाही की तरह से काम कर रहे हैं हमेशा बाला साहब ने। मैं लाइफ में एक दो बार उनसे मिला था, बाला साहब से जब मिला था तो जय महाराष्ट्र ही सुना था उनसे टेलीफोन पर, जय महाराष्ट्र। इनके जितने सिपाही थे, आप भी शिंदे साहब जय महाराष्ट्र बोलते थे। आज के आप बीजेपी और आरएसएस के दबाव में आप मुखिया हो महाराष्ट्र के, और इस महाराष्ट्र में एक जीआर इशू हो जो जय महाराष्ट्र को छोड़ करके वंदे मातरम बोलना हो, मैं समझता हूं आप भी लगता है इस दबाव में आ गए हो। महाराष्ट्र की जनता, शिंदे साहब आप मेरे दोस्त हैं, आपसे जरूर सवाल करेगी कि जय महाराष्ट्र बोलना क्या पाप है, क्या देशद्रोह है क्या? दोस्तों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए रोजाना एक ऐसी चीज लाएंगे। आप कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, इस देश के रहने वालों, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया है, हम उसी के आगे सर झुकाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जरूर बोलेंगे। वंदे मातरम, शिंदे फडणवीस जी की सरकार के निर्णय का स्वागत। आज भी कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो इसका विरोध करते हैं। पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर की बातें होती है, और चेंबूर में रूपाली चंदन सिबे की मुस्लिम पति बुरखा नहीं पहना हत्या की, इसके बारे में ये नेता कुछ नहीं कहते। वंदे मातरम तो कहना ही होगा। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।